आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आखिरकार कृषि विधेयक के अंदर में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जिसे लेकर इतना ज्यादा हाहाकार मच गया है? जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं, वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कृषि विधेयक को लेकर। आखिरकार कृषि विधेयक के अंदर में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जिसे लेकर इतना ज्यादा हाहाकार मच गया है और इसके ऊपर में राजनीति तेज हो गई। लेकिन इन तमाम बातों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण विराम लगा दिया। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो लोग दशकों तक इस देश पे राज किया, आज वो लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर जिस तरीके से किसानों को डराया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी जिक्र किया किस तरीके से पहले जो किसानों का एक बड़ा हिस्सा बिचौलिया खा जाते थे, उसे कैसे कृषि विधेयक प्रोटेक्ट करेगा। इन तमाम चीजों के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए इन तमाम चीजों का स्पष्टीकरण दिया है। आइए सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है अपने संबोधन में कृषि विधेयक को लेकर। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता, संदेश देना चाहता। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं, वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं, वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है।